आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन आपके पास है गामा 1a + गामा 2b गिव्स गामा 3c + गामा 4d। तो क्वेश्चन कहता है कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंजेस फ्रॉम 10 मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स टू 20 मिलीमोल डेसीमीटर माइनस 3 in seconds. Rate of appearance of D 1.5 times it to the rate of appearance of B, which is twice the rate of disappearance of A. The rate of appearance of D जो है वो experimentally determine वो क्या आता है 9 millimole per decimeter cube. तो आपको rate of the reaction निकालने है millimole per decimeter cube. ठीक है, अब concentration of C कितना आ जाएगा, 20 minus 10 divided by 10 and this is equal to 1 millimole per decimeter cube, ठीक है, per second. अब अगर आप देखो तो आपके पास reaction है gamma 1a plus gamma 2b is equal to gamma 3c plus gamma 4d, ठीक है ना, ये है आपके पास आपकी equation. अब यहाँ से आप निकालोगे rate of change of d with respect to t, ये कितना होगा 1.5 माइनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो कि है 9 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब सेकंड, ठीक है, ये होगा. अब देखो माइनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस डी बाय डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ये हो जाएगा ना. अब देखो आपका रेट क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, विच इज माइनस वन बाय गामा डी ए बाय डी टी, ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन बाय गामा टू डी बी बाय डी टी, और ये हो जाएगा वन बाय गामा थ्री डी सी by dt and this will be equal to 1 by gamma 4 dd by dt. ठीक है, ये आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dd by dt is equal to gamma 4 by gamma 2 concentration मतलब माइनस db by dt हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय गामा 2 डी सी डिवाइडेड बाय डी टी, और ये हो जाएगा 1 बाय गामा 4 डी डी बाय डी टी. ठीक है, और जब ये सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा गामा 4 बाय गामा 2 कितना आ जाएगा 1.5. ठीक है ना, ये आ जाएगा आपके पास. अब देखो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन है ना. तो अब देखो गामा 2 बाय गामा 1 जो होगा, गामा 2 बाय गामा 1 इनटू माइनस डीए बाय डीटी, ये कितना हो जाएगा माइनस डीबी बाय डीटी, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 इनटू माइनस डी बाय डीटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. तो यहाँ से गामा 2 बाय गामा 1 आ जाएगा 2. ठीक है, एंड अब अगर हम निकाले डी सी डिवाइडेड बाय डी टी, ये कितना आ जाएगा गामा 3 बाय गामा 4 डी ऑफ डी बाय डी टी, यहाँ से आपके पास गामा 4 बाय गामा 3 आ जाएगा इनके 9. ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा. दैट्स ऑल फॉर द क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.